Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Civil Guruji की दुनिया में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं complete civil engineers के बारे में। दोस्तों, मैं हूं ऋषभ देव सिंह, corporate trainer, और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं civil engineer की psychology के बारे में। क्या होनी चाहिए किसी भी civil engineer की psychology और industry क्या expect करती है उससे, इन सब बारे में अपन आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ। दोस्तों, सिविल इंजीनियर ही एक ऐसा बंदा होता है जो कोऑर्डिनेट करता है डिजाइनर से, कंसल्टेंट से, सप्लायर से, कॉन्ट्रैक्टर से, वर्कर से, सुपरवाइजर से, हर बंदे से। बेशक वो हर मौसम में काम करता है, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई सा मौसम हो, बहुत मेहनत करके काम करता है, वो बहुत डेडिकेटेड होके काम करता है। बट फिर भी कई बार क्या होता है, जो आउटपुट उसको मिलना चाहिए, जो अप्रेजल उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और रीजन उसका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही है, जो एक्सपेक्ट कर रही है, सही तरीके से कोई सिविल इंजीनियर फुलफिल नहीं कर पा रहा है। बिकॉज वो कई बार अनगाइडेड हो जाता है कि साइकोलॉजी से उसको साइड पे काम करना चाहिए, वो भूल जाता है। तो उसी साइकोलॉजी के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं अपन कि नॉर्मल सिविल इंजीनियर को क्या फैक्टर्स पे काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज, टेक्निकल एबिलिटीज किसी भी साइट इंजीनियर पे होना चाहिए या फिर किसी भी इंजीनियर पे होना चाहिए। मतलब ड्रॉइंग देख सके, वो टेक्निकल्स पकड़ सके, चाहे वो स्ट्रक्चर ड्रॉइंग हो या फिर आर्किटेक्चर ड्रॉइंग हो, किचन की हो, टॉयलेट की हो या फिर प्लम्बिंग की हो, कोई सी भी ड्रॉइंग हो, उसको अच्छे से रीड करते आना चाहिए और टेक्निकल्स देखते आना चाहिए। मैनेजरियल स्किल्स होने चाहिए, मतलब कि जो भी आपकी टीम है उसके साथ काम करते आना चाहिए, टीम वर्क करते आना चाहिए सबको, चाहे वो मटेरियल हो या फिर आपके को वर्कर्स हो, आपके टीम हो, उसके साथ काम करते आना चाहिए। बिकॉज इंडस्ट्री भी यही एक्सपेक्ट करती है कि आप लीड कर सकें किसी काम को। तीसरी चीज, कम्युनिकेशन मेथड। अब देखिए, कम्युनिकेशन भी तीन तरह के होते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और पीयर कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप कैसे बात करते हैं, या फिर आपके साइट से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग जो आपके पोस्ट से ऊपर हैं उनसे आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सपोज दैट आपको कोई सी ड्रॉइंग चाहिए तो आप कंसल्टेंट से कैसे बात करोगे, या फिर आपको कुछ बिल्स की बात करनी हो या फिर प्लानिंग की बात करनी हो तो आप किनसे, अपने सीनियर से बात करेंगे, पीएम से बात करेंगे, बिलिंग इंजीनियर से बात करेंगे या फिर किसी से भी बात करेंगे, तो वो स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो जो भी आपके नीचे काम कर रहे हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हो या फिर आपके वर्कर्स हो, लेबर्स हो, उनसे कैसे बात करनी है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, हैंडल करते आना चाहिए, तभी काम करा पाएंगे आप। और तीसरी चीज, पीयर कम्युनिकेशन, कि आपके जो भी लेवल के हैं, साथ के सिविल इंजीनियर्स हैं, उनसे भी आपको कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए। और चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी सिविल इंजीनियर को करनी ही चाहिए, हैबिट ऑफ होमवर्क। मतलब अगले दिन क्या काम होने वाला है या फिर अगले दो तीन दिन या एक हफ्ते बाद क्या काम होने वाला है, आपको पहले से ही होमवर्क करके रखना चाहिए कि कितना मटेरियल आपके साइट पे यूज होने वाला है, कितने लेबर की जरूरत है, कहाँ पे, ये सारी चीजें आपको एक दिन पहले ही होमवर्क करके रख लेनी। ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट क्या करती है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं या फिर इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो दो स्किल्स मांगी जाती हैं। पहली, मैनेजरियल स्किल, जो मैंने आपको बताया कि टीम को मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना। और दूसरी चीज जो सिविल से रिलेटेड है, अप्लाइड सिविल इंजीनियरिंग स्किल। मतलब एक तो मैनेजिंग स्किल हो गई और दूसरी आपकी सिविल स्किल हो गई। ये दो स्किल कोई भी इंडस्ट्री मांगती है। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारे कॉलेज पे सिर्फ ये जो टेक्नोलॉजी की थ्योरीज पढ़ाई जाती है, एप्लीकेशन नहीं कराया जाता और इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराया जाता, कुछ प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, तो हम लोग को इसका नॉलेज इतना होता नहीं। बट काम पे जाते हैं, साइट पे जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है कि आपको काम करते आता है, मैनेज करते आता है और उसको ऑर्गेनाइज करते आता है, तो काम आपको दे देती है। कोई भी सिविल इंजीनियर को करना क्या चाहिए आपको, कि उसको मैनेजिंग स्किल का यूज करके और सिविल इंजीनियरिंग का स्किल यूज करके काम को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि मैनेज करते करते इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, काम इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको वर्कर भी एक जगह देखना है, वर्कर्स भी देखना है, कि आपको अपने लेबर भी देखना है, सुपरवाइजर भी देखना है, मटेरियल भी देखना है, साइट पे बहुत सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है। तो सिविल इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिसेस वो कोई भी सिविल इंजीनियर भूल जाता है, कंट्रोल लूज करने लगता है। तो इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगा कि आपको दो मॉडल दिख रहे हैं। ये पहला ग्राफ है जो सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियर्स फॉलो करते हैं, वो बस मैनेज कर लेते हैं चीजें, साइट पे काम एग्जीक्यूट करा देते हैं, बिल्डिंग तैयार कर देते हैं, आपका ब्रिकवर्क का काम हो गया, स्ट्रक्चर का काम हो गया, आर्किटेक्चर का काम हो गया, बिल्डिंग हैंड ओवर हो गई, वो मैनेज करते रह गए और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की टेक्निकलिटीज पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसकी कैसे कैसे वो अपना। इस पहली कैटेगरी में बहुत ज्यादा लोग आते हैं जो कि होना चाहिए। किसी भी सिविल इंजीनियर को एक ऑर्गेनाइज्ड सिविल इंजीनियर बनने के लिए, एक वेल मैनेज्ड सिविल इंजीनियर बनने के लिए,
ये मैनेजबिलिटीज और सिविल इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजीज को एक साथ लेके चलना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं आती हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना, पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ। जिसको दूसरा ग्राफ पहले समझ में आता है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, और जो अभी भी अपने कम्फर्ट जोन पे है, कम्फर्ट लेवल पे है, पहले मॉडल पे चल रहा है, उसी पे चलता जाएगा, कोई खास प्रोग्रेस उसको नहीं होने वाली। और दूसरे ग्राफ में जो लोग हैं उनको और ब्रीफ कर देता हूं मैं कि मॉडल को कंटिन्यू कैसे करना है। अब जो इंजीनियर्स दूसरा मॉडल फॉलो करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा मैं और ब्रीफ कर देता हूं कि ये मॉडल कैसे काम करता है। दूसरे मॉडल का मतलब ये है कि आपको काम की प्लानिंग करनी है। सबसे पहली चीज कि आप कोई भी काम कर रहे हैं साइट पे या फिर ऑफिस पे, जो भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने काम को प्लान करना है। प्लान करने के बाद जो जो चीजें आपकी जरूरत की हैं, जो काम आने वाले हैं आपके एग्जीक्यूशन वर्क में, उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद तीसरी चीज क्या है कि आपको उन चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन बनाना है, किन किन लोगों से मैं कोऑर्डिनेट कर सकूं ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए। ड्रॉइंग रीडिंग भी आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, और ड्रॉइंग रीडिंग की बात करूं मैं तो हर ड्रॉइंग है, वो स्ट्रक्चर की हो या फिर आपकी आर्किटेक्चर की हो, प्लम्बिंग की हो, किचन की हो, टॉयलेट की हो, हर तरह की ड्रॉइंग, इलेक्ट्रिकल की हो, हर तरह की ड्रॉइंग आपको पढ़ते आना चाहिए बहुत, और उसमें से टेक्निकलिटीज आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपका रीइंफोर्समेंट स्लैब में आपका पढ़ना है तो स्ट्रक्चर डिजाइनर ने कैसा क्या स्पेसिंग दी है आपके ड्राइंग पे, क्या प्रोवाइड करानी है आपको, कहीं स्ट्रक्चर इंजीनियर से कोई गलती तो नहीं हो गई, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर की जो ड्राइंग है वो मैच करा के देखनी है कि दोनों मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपका आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर से गलती हो सकती है, और आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर की ड्राइंग कई बार मैच नहीं करती है, तो वो चीजें आपको हमेशा याद करना है ड्राइंग रीड करके। अब ड्राइंग रीड करने के बाद आपको ये समझना है कि आपको साइट पे कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी ये काम एग्जीक्यूट कराने में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एज अ सिविल इंजीनियर, यह हमेशा करना है आपको। कभी भी आप काम करें खुद आप क्वांटिटी सर्वे करिए और समझिए कि कितना मटेरियल लगने वाला है साइट पे, उसकी कैलकुलेशंस। और आखिरी सबसे जरूरी काम, ये सारा काम जो प्लानिंग से लेके क्वांटिटी सर्वे तक, ये सारा काम आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, तब जाके आप सुपीरियर सिविल इंजीनियर बन पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।